हमारे ग्रुप का नाम नाग शक्ति है, मैं, मनीषा, एलविश, अभिषेक। जो मेरे और एलविश के पंगे हुए थे 2020 में, कोई भी जीत जाए नाग शक्ति में से, एक ही बात है यार, जीतेंगे तो उन तीनों में से एक, मुझे इतना पता है, इतना कॉन्फिडेंस है। लगा था इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे? मेरे को तो पहले हफ्ते में लगा था बट ठीक है यार, दो हफ्ते भी रह गए ओटीटी में, तो दो हफ्ते भी काफी हैं यार ओटीटी में, क्योंकि अब और दो हफ्ते बचे हैं। आई थिंक हां, नहीं सरवाइव करना कितना चैलेंजिंग। लाइट क्यों ऑन किया रे? देखो सरवाइव करना थोड़ा टफ तो था बट मजेदार भी उतना ही था, क्योंकि लोग थे, मेरे अच्छे दोस्त थे अंदर। हाँ थोड़ा टास्क को आज के लिए वेट करना, सब कुछ थोड़ा टफ रहता है, और बाकी फिर मजाक मस्ती चलती है तो फल हो जाता है। हम जानते हैं आप सबसे ज्यादा किन्हें मिस करें, लेकिन आपसे एक बार सुनना चाहेंगे। तो हमारे ग्रुप का नाम नाग शक्ति है, मैं, मनीषा, एलविश, अभिषेक। तो हाँ मैं उन तीनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ कब होगा फिनाले, कब जाके उनको वापस देखूँ, मिलूँ। तो हाँ उन तीनों को मैं जानना चाहूँगा, नाग शक्ति जब साथ में बैठती है सबसे पहले क्या बात करती है? सबसे पहले आई थिंक एकदम स्टार्ट स्टार्ट में तो वो बात हो रही थी जो मेरे और एलविश के पंगे हुए थे 2020 में, बट फिर उसके बाद वो छोड़ के फिर हम आगे अपनी नॉर्मल बात करने लगे। हाँ एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि हम सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमारी बातचीत ऑलमोस्ट मैच करती है सिमिलर सी। तो हाँ हमारी वो सब बातें चलती है, मोस्टली फालतू बातें चलती है, वो देखा होगा लाइफ में। तो लगा आपको कि चल अच्छा यहाँ पे तो मेरे को दोस्त का मिल गया, पूरा दोस्त लोग बैठ कर करते रहे दिन भर गप्पे, है ना? हाँ बस वही, मतलब घर की बिचिंग, बाहर की बिचिंग, ये सब चलती है। और क्या कर सकते हैं यार, बाहर की बातें ज्यादा कर नहीं सकते, तो घर की बिचिंग करनी पड़ती है, घर के बस वही चीजें हैं। आपको ऐसा लगा था कभी कि पंगा होने के बाद इतना गहरा बॉन्ड बन जाए कि अब उनके बिना रहा नहीं जाएगा? हाँ वो तो है कि मतलब लगा नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि लड़ेंगे बट नहीं, दोनों के मन में से कोई ग्रज नहीं था, दोस्ती हो गई, क्योंकि उसकी अभिषेक से दोस्ती थी, एलविश की मेरी मनीषा से थी, तो चारों मिलके फिर वो झगड़ा ही भूल गए और अच्छे मतलब दुश्मन से दोस्त हो गए सडनली दो हफ्ते में। बाहर आके क्या कुछ सुनने मिला आपको, और मतलब कैमरे जब बाहर आए आप क्या कुछ रिप्लाईज आप तक पहुँचे? अच्छा लगा ऑब्वियसली उनको कि मतलब पहले हफ्ते में इतना नहीं, बट हाँ दूसरे हफ्ते में धीरे धीरे कर रही थी मैं, अच्छा कर रही थी, बट जितना किया मतलब लोग को इतना सीखना ही था कि हाँ एटलीस्ट मैं रियल रही, कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रही, तो उस चीज़ से ज़्यादा खुशी थी मुझे कि यार मैं जैसी थी मैं वैसी थी, और मैं खुश उस चीज़ से कि मैं जैसी हूँ वैसी रह गई। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? कोई भी जीत जाए नाग शक्ति में से, एक ही बात है यार, जीतेंगे तो उन तीनों में से एक, मुझे इतना पता है, इतना कॉन्फिडेंस है। थैंक यू, थैंक यू।